हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सिक्स क्लास का इंग्लिश बुक की फर्स्ट लेसन करेंगे। इसमें लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें एक लड़का होता है जो जिसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जैसे सभी बच्चों को होता है, और ये हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और एक वीडियो गेम निंटेंडो के नाम से खेलता रहता है। और इनकी इनके टीचर्स इनको बोलते रहते हैं कि आप अपना होमवर्क करके लाएं, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन ये उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता और अपना अपने खेल कूद में मगन रहता है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो एक हार्ड वर्क इंसान बन गया और अपना होमवर्क टाइम से और अच्छे से करने लगा। तो स्टोरी में हम देखेंगे पैट्रिक, जो नॉर्मल एक गाय है, एक बच्चा है जो अपना होमवर्क नहीं करता, वो एक देखता है एक बार एक उसके घर में उसकी बिल्ली किसी एक काइंड ऑफ डॉल को लेकर उससे खेल रही है। लेकिन जब पैट्रिक उसके पास जाता है और देखता है कि ये डॉल तो है नहीं कहीं से भी, ये तो एक कोई आदमी सा लग रहा है, छोटा, टाइनी टाइनी या स्मॉल मैन जिसे कह सकते हैं, जिसे हम नॉर्मल में कहें तो एल्फ एल्फ कहते हैं, एल्फ सा कुछ दिख रहा है। और वो उसके पास आता है, कहता है पैट्रिक सेव मी सेव मी, और आप कुछ भी, मुझे बस इस बिल्ली के पास वापस मत भेजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो पैट्रिक सोचता है कि ये तो मेरे लिए एकदम वो सरप्राइज़ की बात हो गई है कि मुझे ऐसी कोई विश मिली है जो एल्फ ने मुझे दी है, कि आप कोई भी विश मांग सकते हैं, बस मुझे इस बिल्ली के पास ना भेजिएगा। तो पैट्रिक अपनी वही सेम विश मांगता है, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं होता। तो पैट्रिक उसको कहता है कि मुझे पूरे सेमेस्टर्स, जिसमें 35 डेज अभी बाकी हैं, उसमें आप मेरा पूरा सेमेस्टर्स का होमवर्क करोगे और मुझे एज आने चाहिए उसके अंदर, यानी मैं टॉप करना चाहिए। तो अब एल्फ कहता है कि अब देखो, बिल्ली के हाथों से अच्छा तो यहाँ ही ठीक है। तो बेचारा सोच समझ के अपने यहाँ एकदम कहता है कि ठीक है, चलिए मैं ये इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ, मैं फंस चुका हूँ, तो चलिए मैं कर ही देता हूँ आपका होमवर्क। देन इस स्टोरी में आ गया, देखेंगे कि पैट्रिक एल्फ से अपना होमवर्क करवाना चाहता है और उसको अपनी सारी चीज़ें, बुक्स एंड ऑल सब कुछ देता है, लेकिन एल्फ कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि वर्ड्स क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या होती है, मैथ क्या होती है। तो पैट्रिक, आपको मुझे आपको इसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो पैट्रिक उसकी हेल्प के लिए राज़ी हो जाता है, और एल्फ एकदम से, जो छोटा सा टाइनी सा दिखने वाला एल्फ है, वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है कि डिक्शनरी लेके आओ, बुक्स लेके आओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा कंटेंट है, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो उसमें पैट्रिक उनकी पूरी हेल्प करता है, लाइब्रेरी से बुक्स लेके आते हैं, डिक्शनरी लेके आते हैं इंग्लिश देखने के लिए। और उसके बाद दोनों, क्योंकि एल्फ अकेले ये सब नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको साथ बिठाकर कहता है कि आप ये रीड करो और मैं आपको बताऊंगा, आप रीड करो और मुझे बताओ फिर मैं करूंगा, आप रीड करो मुझे बताओ मैं करूंगा। तो ऐसे पैट्रिक और एल्फ दोनों मिलके बहुत दिनों तक, रातों रात अच्छे से पढ़ते हैं, और सारा काम जो अपना उनका होमवर्क होता है, सिलेबस होता है सेमेस्टर्स का, उसको अच्छे से वो पूरा करते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि पैट्रिक एकदम थक सा जाता है, एकदम उसकी आंखें भारी होने लग जाती है, क्योंकि वो इतना पढ़ रहा है, सारी डिक्शनरीज में वर्ड्स ढूंढ रहा है, स्टोरी देख रहा है, हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं, वो उसकी बुक्स पढ़ रहा है, और एल्फ उसको गाइड कर रहा है एक तरह से कि भाई तुम ये करो ये करो, ये रह गया वो करो, एज एक मेंटोर बन के एल्फ आया उसके सामने। और उसके बाद जब उसका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, तो उसको लगता है कि अब मुझे एज आने चाहिए, और उसको एज आते भी हैं जब वो स्कूल में जाता है, और उसकी मैम, उसके स्टूडेंट्स, उसके जितने भी सारे जो चिल्ड्रंस हैं, उसके दोस्त हैं, जो सारे के सारे, वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो कभी होमवर्क करता ही नहीं था, ये लो इतने इतना इतना अच्छा होमवर्क कर लिया, उसको एज भी आ गई, ये कह सकता है फर्स्ट कैसे आ गया। तो इसी बीच में पैट्रिक का जो एल्फ होता है, जिसने उसको मोटिवेट किया था, जिसने उसको बिठाया था पढ़ने के लिए, वो समझ जाता है कि उसको एज आ गया, मेरे यहाँ कोई काम नहीं, और मैं यहाँ से फटाफट से चुपचाप बिना किसी को बोले निकल जाता हूँ। तो यही एक स्टोरी है, जो छोटी स्टोरी है, और इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पसंद नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई उसको हेल्प करे, हमें गाइड करे, और हमें कोई अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझाए कि ये स्टोरी में क्या है और क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे करना है, तो हम उससे मोटिवेट या फिर हम उसको पढ़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जैसे हम बचपन में कहते हैं नहीं हमें जो खेलना है, नहीं मुझे टीवी देखना है, आजकल लॉकडाउन का टाइम है तो हम मुझे गेम्स खेलनी है ऑनलाइन, तो उसमें क्या है, हम होमवर्क नहीं करते, और होमवर्क इतना देखा नहीं, ऑनलाइन क्लास में बस बैठे रहते हैं
और मैम को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस कैमरा ऑफ माइक ऑफ करके। लेकिन इसमें एक एल्फ की तरह अगर हम यहाँ देखें तो वो जो एल्फ है वो यहाँ क्या कर रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए कि आप खड़े होइए और आप कर सकते हैं, आप में वो एक इनर जिसे कहते हैं वो है, अभी आप 6th क्लास में हो लेकिन आप इन सब चीज़ों को पढ़ के बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तो यही एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक एल्फ और एक बच्चा जो होमवर्क नहीं करता था वो बाद में इतना अच्छा उसका बिहेवियर चेंज हो गया, जब उसको क्लास में ए आया वो अपना रूम साफ़ करने लग गया, अपने सारे काम करने लग गया और अपने अंदर एक नया एटीट्यूड डेवलप करने लग गया, जिससे वो अपने घर के कामों में अपने माँ बाप के कामों में भी हाथ बटाने लगा और साथ साथ अपना होमवर्क करने लगा और नई चीज़ें भी सीखने लगा अपनी स्टडीज़ के माध्यम से। अब इसमें हम देखेंगे कि आपको स्टोरी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन। अब जैसे कि हमने पूरी स्टोरी समझ ली है और हमने बता दिया है कि पैट्रिक जो एक बच्चा होमवर्क नहीं करता था और एक एल्फ के मिलने के बाद उसे विश ग्रांट हुई एल्फ एल्फ से, क्योंकि उसने उसको अपनी कैट से बचाया, और उसके बाद एल्फ ने पैट्रिक की मदद से दोनों ने मिलके, जिसमें ज़्यादातर काम पैट्रिक ने किया और अपना होमवर्क कंप्लीट किया और अपने क्लास में टॉप किया और अपने बिहेवियर में चेंज लेके आया। तो इसी ये छोटी सी स्टोरी है जिसके ऊपर हम अब अभी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी सिंपल हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पैट्रिक की कैट को वो एल्फ से खेल रही थी तो पैट्रिक को क्या लगा कि क्या है, सबसे पहले पैट्रिक को लगा ये डॉल है लेकिन वो डॉल नहीं थी, वो एक एल्फ था। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब पैट्रिक ने जब उसको बचाया, यानी एक एल्फ या लिटिल मैन को बचाया, तो लिटिल मैन ने उसे क्या विश ग्रांट करने के लिए किया, मैं आपको एक विश देता हूँ जो आप जो भी कुछ मांगो मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे इस बिल्ली से बचा लो। देन थर्ड क्वेश्चन यही है कि वो अब वो विश क्या थी, देन वो आप हम सबको पता है वो विश ये थी कि पैट्रिक चाहता था कि मैं अपना होमवर्क ना करूँ, कोई मेरा होमवर्क कर दे, और वो विश उसको मिल गई और वही विश उसने एल्फ से मांग ली। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि पैट्रिक और लिटिल मैन जिसमें एल्फ है, कैसे उन्होंने होमवर्क साथ में मिलकर किया। तो उसमें ये है कि और जो होमवर्क करते समय पैट्रिक ने एल्फ की किस तरह मदद करी और एल्फ को क्या क्या उसमें नहीं आता था, क्योंकि एल्फ को ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो एल्फ को मैथ नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, हिस्ट्री नहीं आती थी, और तभी इन्हीं सब्जेक्ट्स में पैट्रिक ने उसकी हेल्प करी, उसको बुक्स ला के दी, डिक्शनरी ला के दी, वर्ड्स मीनिंग समझाए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन यही है कि पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे करी, जैसे मैंने आपको बताई दिया, डिक्शनरी बुक्स लाकर उसकी मदद करी गई। एंड सिक्स क्वेश्चन में यही है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अब होमवर्क किसने किया। एक क्वेश्चन ये बंदे आता है कि अगर पैट्रिक ने होमवर्क किया कि पर उसको तो पसंद नहीं था, तो लिटिल मैन ने होमवर्क किया या पैट्रिक ने किया। तो अगर आप इसको इस स्टोरी को ढंग से देखें तो इसमें यह है कि पैट्रिक होमवर्क कर रहा था किसकी मदद से, एल्फ की मदद से, क्योंकि एल्फ उसको मोटिवेट और उसको गाइड कर रहा था कि होमवर्क कैसे करना चाहिए। तो यही बेसिक अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पैट्रिक ही होमवर्क कर रहा था और उसके बाद उसका एटीट्यूड चेंज हुआ। और पूरी स्टोरी हमने आपके यहाँ बता दी, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए गए हैं, और मैं यही चाहूँगा कि आप समझ गए होंगे जहाँ तक एक छोटी सिंपल स्टोरी है, और आप इसको ज़रूर रीड करें क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि इसमें स्टोरी में जो समरी है वो क्या है, और क्वेश्चन आंसर्स करते समय आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब अगर आप देखेंगे तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपको करने हैं, क्योंकि आप स्टोरी समझ चुके हो, तो आप इन सब फिलिंग द ब्लैंक्स को करके जो आप स्टोरीज में दी गई हैं अगर जब आप रीड करोगे उसके बाद उसको फिलअप कर सकते हैं, एंड दी पजल्स ऑल्सो। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें नीचे दी गई हैं, प्रैक्टिस में स्पीकिंग स्किल्स दिए गए हैं, ये भी आप कर सकते हो। इसमें ये बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और अपने घर में क्या करना चाहिए, अपने होमवर्क करना चाहिए या फिर घर का काम करना चाहिए, ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप पढ़ेंगे या अपने जिससे जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, ट्यूटर से। इस जो हमारा मेन मोटिव ये था कि इस स्टोरी को एक समराइज वे में आपको प्रिडिक्ट करना, जिससे कि कोई भी परेशानी आपको ना आ सके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक करें।
थैंक यू सो मच।